होगी। और रुक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। बबेरू में गोदाम पर लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बबेरू कस्बे के कामसिन रोड पर किराना दुकान के गोदाम में आग लग जाने से लगभग 15 लाख रुपए की सामग्री जल गई। स्थानीय लोगों एवं फायर ब्रिगेड के 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर गोदाम में 2 ड्रम ज्वलनशील पदार्थ मिलने पर कोतवाली प्रभारी ने पूछताछ के लिए गोदाम मालिकों को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला बबेरू कस्बे के कामसिन रोड का है, जहां पर सूरज पाल के मकान में किराए पर चल रहे माता प्रसाद मुकुंदलाल फर्म के गोदाम में आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पड़ोसी दुकानदार मिलकर आग बुझाते रहे, मगर आग पर काबू नहीं पा सके। सूचना देने के 2 घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उन्होंने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशामक अधिकारी अनूप सिंह ने गोदाम की छानबीन के दौरान वहां 2 ड्रम कार्बेट पाया गया। इस पर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई। इस मौके पर पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव ने विरोध और आपत्ति जताई, कहा कि अग्नि पीड़ित को ही हिरासत में ले लिया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि पूछताछ के लिए ले जाया गया है। बीच बाजार में अग्निकांड के आसपास के लोग सहम से गए। जहां पर आग लगी थी उस फाटक के अंदर कपड़ा, चूड़ी, श्रृंगार और राखी की दुकानें थी, जिसमें बड़ा हादसा होते होते बच गया। पंकज श्रीवास्तव गोदाम मालिक, सुधीर अग्रहरी व्यापार मंडल अध्यक्ष और कुलदीप सिंह सीओ बताए गए हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।